नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनवार एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का इंग्लिश का पेपर है, कंपलसरी का पेपर जो कल आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला, जल्दी से पेपर को रट लीजिए। मैक्सिमम 80 नंबर है, 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है। आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पेपर को शेयर भी कर देना दोस्तों, आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर भी कर देना ताकि वो भी पेपर को देख सके और पेपर को अच्छी तरीके से रट के जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे पैसेज दिया गया और पैसेज में जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको छांट करके आंसर देने होंगे। तो पहले आप इस पैसेज को देख लीजिए और इसके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों की आंसर की आपको बताने वाला हूँ एक साथ ही। एक से लेके कम से कम यहाँ पे पहले में 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके 8 तक हो चुके हैं। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 9 तक ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के जो आंसर है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इन क्वेश्चनों के आंसर की क्या क्या रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले का पहला, ये टाइम से लेके आपका यहां तक लाइफ तक आंसर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहले का दूसरा ईयरली तक, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है ए पर्सन से लेके और ऑफ लाइफ तक इसका आंसर रहने वाला है। ये पैसेज में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बाकी आप इनको देख करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है 4 का, यानी कि पहले का 4 और 5, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की नोट कर लो यहाँ पे फटाफट से। ये 9 तक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 9 तक। इन क्वेश्चनों को सभी को आंसर नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे आता है दूसरा नंबर के क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका 6 नंबर का ही है और एक एक नंबर के इसमें भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले से लेके 6 तक, यानी कि 6 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। 6 के 6 क्वेश्चनों के आंसर की आपको स्क्रीन पे ही दिखाने वाला हूँ, वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं, अब देखते हैं इनकी आंसर के बारे में। ये है दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहले का आंसर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये दूसरे का पहले है। और उसके बाद में बात करते हैं दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, यहाँ तक ये 6 क्वेश्चनों के आंसर की हो चुकी है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 3 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, वो जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक स्कूल के एजुकेशनल टूर के बारे में लिखना होगा और इसके बाद में इसमें अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन हल करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, वो भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको राइट लिखना होगा 100 वर्ड्स के अंदर। उसके बाद में इसमें अथवा में दे रखा है, 100 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना होगा, जो आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं इनसे बनाकर लिख सकते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, लेटर लिखना होगा इसके अंदर, और इसके अंदर अथवा में भी है, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 और 7, इन क्वेश्चनों के आंसर की आपको स्क्रीन पे ही दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे 6 नंबर का जो पहला और दूसरा है, 7 नंबर का पहला और दूसरा, यहाँ तक हम आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए फटाफट से। आइए बात करते हैं अब आंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 6 नंबर का पहला और दूसरा, ठीक है। और नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है 7 नंबर का पहला और दूसरा, तो 6 और 7 की आंसर की आप देख सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 और 9, ये है आपके सामने। 8 नंबर का पहला दूसरा, 9 नंबर का पहला और दूसरा, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसके भी आंसर की हम चर्चा करने वाले हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इस पैसेज का, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से क्या करना होगा, पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। तो इसका जैसे पहले की हम बात करें, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चनों की आंसर की आपको एक साथ ही देखने के लिए मिलेगी 10 नंबर तक, तो यहाँ तक, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में जान लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी 8 और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में, फिर बात करेंगे 10 नंबर के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 8 नंबर का पहला, पहले के अंदर आएगा 100, दूसरे के अंदर आएगा नोर, उसके बाद में 8 9 नंबर का जो पहला है कम ऑफ आएगा, फिर फुट एक्रोस आएगा 9 नंबर का दूसरे में, 10 नंबर का पहला है दैनेटर आएगा और इसमें आएगा कार्स आएगा दूसरे के अंदर, और 10 नंबर का जो यहाँ पे तीसरा है आलोकदीज आएगा, यानी कि जो आपके ऑप्शन में थे ये नोट कर लीजिए, आपके जो ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन दे रखा है ना उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। DAR इंजीनियरिंग है ये, 10 नंबर का 4 तक हो चुका है, 8 और 9 के ऊपर हो चुके हैं, 10 नंबर का 5 और 6, ये आपका 5 और 6, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन तक आपकी आंसर की हो चुकी है, और उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर जो क्वेश्चन है पैसे दिया गया, इसका भी आंसर की मैंने बता दिया है, डायनेटर पहले ऑप्शन में था, कार्स इसके अंदर था, और आलोकदीज इसके अंदर आया था, डेयरिंग इसके अंदर था, बी एन के बी ऑप्शन था, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन था उसके अंदर, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन था 6 में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड के अंदर आंसर देना होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर अथॉमिक दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन हल करेंगे, और उसके बाद में है एक और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्डों में आंसर देंगे, आपकी जो बुक्स है उसकी क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आगे भी एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको बताऊंगा, ये छोटा क्वेश्चन है, वो भी 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना होगा, 14 नंबर क्वेश्चन ये भी बुक का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है तो हमें दे रखा है, 15 नंबर क्वेश्चन है 20 से 30 वर्डों में आंसर देंगे, इनके दो दो नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 16 क्वेश्चन है जो 60 वर्ड में आंसर देना होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है ये, और 17 नंबर का जो क्वेश्चन है 20 से 30 वर्डों में आंसर देना होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसके आंसर की भी आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको जो द करेक्ट अल्टरनेटिंग जो है इसके अंदर आपको छांट करके करना होगा, यानी कि 18 के अंदर पहले में कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा, पांचवे में कौन सा, 6 में कौन सा, ऐसे यहाँ पे छांटने हैं। अब बात कर लेते हैं इन क्वेश्चनों की आंसर के बारे में, जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 18 नंबर का पहला सुर गेम, इसका सुरगुन आंसर होगा बैड, बैड इसका हो जाएगा, 90% इसका हो जाएगा, 2 वीक्स इसका हो जाएगा 4 का, और इसमें हो जाएगा ही इमिशिएट इज टारगेट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा JUDEWIN, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, 18 नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर है, सभी क्वेश्चनों का आंसर नोट कर लीजिए। अब दोस्तों ये पेपर भी आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और अब बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, 18 क्वेश्चन अब देख सकते हैं यहाँ पे, 18 नंबर का ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है, इसमें बैड हो गया था, यानी कि इसमें सी ऑप्शन हो गया था, 90% इसमें हो गया था आपका बी ऑप्शन हो गया था, इसमें 2 वीक्स हो गया था यानी कि डी ऑप्शन हो गया था, बाकी आप उसमें देख भी सकते हैं, और इसके अंदर कौन सा था, इमीडिएट वाला था, और इसके अंदर ये ऑप्शन था, तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कल आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर को रट लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि काम आने वाला पेपर है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।